Welcome students, welcome to the online class. Today I am going to discuss with you all about conventional representation. Okay, conventional representation. Let's start. What is conventional representation in engineering drawing? Take a look. Conventional representation is a way of defining the drawing process or drawing objects. Okay, conventional representation is a way of defining the drawing process or drawing objects in a short form, a short view, or in a compact method like projection, angle, symbols, or different type of operation in drawing. कोई भी एक ड्राइंग अगर आपके पास है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन ड्राइंग कुछ है, इंटरप्रीट आप कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऑपरेशन दिया गया है जो कि आपको फॉलो करने हैं, या फिर कोई भी समझाया गया कि ठीक है, भास्ट में नहीं है, आपको कोई भी सिंबल की मदद से आपको समझाया गया है कि इस सिंबल की मदद से आपको समझ में आ जाएगा, या फिर एक सिंबल दिया गया उसमें आ जाएगा कि हाँ इसका मतलब इसमें मैशनिंग करना है, इसमें ये, इसमें नर्लिंग होगा, कितने का होगा, इतना नर्लिंग करना होगा, इतना तक नर्लिंग करना होगा, लेंथ इतना होगा। तो ये सारा बहुत सारा सिंबल्स है, बहुत सारा चीज है जो कि इसमें डिफाइन हो सकता है कन्वेंशनल वे के जरिए। ओके, ताकि उसमें जगह कम से कम जगह में आप बहुत सारा चीज को एलोबरेट कर सकते हैं, बहुत सारा चीज को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, व्हेन द ड्रॉइंग of a component in its true projection involves a lot of time, its convection may be used to represent the actual component. Images shows typical example of conventional representation of various machine component used in engineering drawing. क्या हुआ, जब कोई component का true projection करने में बहुत सारा time लग जाता है, तो क्या होता है, it convention way आप यूज कर सकते हैं। कन्वेंशन में भी यूज टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंपोनेंट, उसको प्रोजेक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्शन में आप प्रोजेक्शन करेंगे, उसको रेडी करेंगे ड्राइंग को, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्या करेंगे, उसके लिए कन्वेंशन वही यूज किया जाता है, ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग यूज किया जाता है, ताकि आप बराबर से उसको समझ पाएंगे ड्राइंग एक्चुअली है क्या जो कि आप इंटरप्रेट करने जा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। ज्यादा भास्ट लेक्चर नहीं है ये, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है जिसके ऊपर अब आज लेक्चर दे रहे हैं हम, तो उसमें बस उतना सोचना कुछ नहीं है, समझना भी उतना कुछ नहीं है, बस कुछ चीजें, कुछ डायग्राम, एक चार्ट और टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम में बहुत बार आए हैं ऐसा टॉपिक, बेसिकली ऐसा ही दिया जाता है कि आपको बोला जाता है कि चार टॉपिक इसमें दिया जाता है कि स्ट्रेट नार्लिंग क्या है, डायमंड नार्लिंग क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं, ये दूसरा कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसी के अंदर और जो बुक्स में है अवेलेबल उसी के अंदर आएगा। फिर स्क्वायर एंड सेप्ट क्या है, फिर जैसे कि लीफ स्प्रिंग हो गया, हेलिकल स्प्रिंग हो गया, ठीक है। बियरिंग क्या चार दिया रहेगा, चार या पांच दिया रहेगा, उसमें से आपको चार ठो या फिर पांच ठो कुछ करना होता है, ठीक है, दिखाना होता है कि आपको ऐसे टेबल बना के जो है आपका टाइटल, सब्जेक्ट, कन्वेंशन, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन जो कुछ भी होगा, ऐसे तीन रो बना के आपको, ठीक है, दिखाना होता है प्रॉपर वे में, प्रॉपर एक टेबल करके आपको दिखाना होता है। ऐसे हाथ में लिख के नहीं दिखा सकते, ठीक है, हाथ में लिख के मतलब ऐसे बिना टेबल के, बिना कुछ टाइटल, बिना सब्जेक्ट, बिना कन्वर्सेशन, ऐसे कुछ नहीं, बिना लिखे आप नहीं दिखा सकते। प्रॉपर वे में आपको दिखाएंगे तभी जाकर बराबर मार्क्स मिलेगा। ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रू टेबल, दिस इज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू टेबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मेटल दिया हुआ है, तो मेटल का रिप्रेजेंटेशन कन्वेक्शन क्या हुआ, कन्वेक्शन यहाँ पर दिखाया गया। देखिए एक हैचिंग लाइन, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें हैचिंग लाइन प्रोवाइड किया गया है। ओके, दिस इज हैचिंग एरिया। ओके, और इसमें क्या है, मेटेरियल्स में क्या, स्टील, कस्में इसके अंदर क्या क्या आता है, स्टील है, कास्ट आयरन है, कॉपर एंड इट्स एलॉयज, एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉयज एटसेट्रा, ये सब आता है। मतलब ये सब अगर हो रहेगा, आपको बोलेगा कि एक आप स्टील का एक कन्वेंशन दिखाइए, तो आप इसको ड्रॉ करके, ऐसे ड्रॉ करके आप दिखा सकते हैं। ओके, फिर कास्ट आयरन का बोलेगा तो आप ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, बाकी का सेम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कॉपर एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय। ओके, नेक्स्ट आए ग्लास, ग्लास का जैसे कि कांच, कांच में अगर आप बोलेगा कांच का तो कुछ दूसरा टाइप है नहीं, मेटल में जैसे दूसरा टाइप आपको मिला, ठीक है। सॉरी मेटल में और भी कोई एक पार्ट है, अवॉइड कर दिए मिस्टेकनली। तो नीचे देखिए लीड, जिंक, टीन, व्हाइट मेटल एक्सेट्रा है, ठीक है। तो इसको भी दिखाने के लिए क्या करेंगे, डायमंड नर्लिंग जैसे होता है, स्ट्रेट नर्लिंग इंक्लाइन टाइप हो गया, ठीक है, ऐसे दिखाना होता है, हैचिंग लाइन बराबर गैप मेंटेन करना है, 2 या 3 मिलीमीटर गैप मेंटेन करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है, बराबर मेंटेन करना होता है, जो बीच बीच का गैप है बराबर मेंटेन करना होता है, ओके। तो अब यहाँ देखिए जो आप यहाँ इसमें एक साइड में दिखाया गया है, आप दो साइड में इसको दिखा सकते हैं, ओके, दो साइड में आप दिखा के इसमें शो करवा सकते हैं जो लीड, जिंक, टीन, व्हाइट मेटल एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट है ग्लास। ग्लास मेटल के लिए क्या है, बीचों बीच में ऐसे इस टाइप का थोड़ा थोड़ा लाइन खींचना होगा, ओके, थोड़ा थोड़ा लाइन खींच के इसको आप दिखा सकते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर इसको दिखाना होता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स को आप बीच बीच में थोड़ा डैश लाइन खींच के आप दिखा सकते हैं, ओके। और नीचे और एक इसका भी और एक टाइप्स है, जैसे एस्बेस्टस फाइबर, फेल्ट, सिंथेटिक रेजिन प्रोडक्ट, पेपर, कॉर्क, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ भी है, वॉक्स, लेदर, इंसुलेटिंग मटेरियल्स या फिर जो कुछ भी है, इस टाइप का आपको दिखाना है। स्ट्रेट लाइन एंड इंक्लाइंड लाइन ओवर द स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड लाइन ओवर द स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो लिक्विड के लिए क्या दिखाना होगा, लिक्विड में रेक्टेंगुलर बोथ ऑल आर इन रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। तो इसमें डैश लाइन खींचना होगा और दिखाना होगा, समझाने के लिए कि ये आपका वाटर, ऑयल, वाटर है या फिर ऑयल है या फिर पेट्रोल है या फिर केरोसिन है एक्सेट्रा, कुछ भी है तो लिक्विड फॉर्म, ओके, सॉरी। नेक्स्ट है वुड। वुड के लिए इस टाइप का आप फॉर्म करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, वुड और प्लाईवुड के लिए, ओके। कंक्रीट दिखाने के लिए बीच बीच में छोटे डॉट डॉट पॉइंट पॉइंट क्रिएट करना होगा और एक इस टाइप का ट्रायंगुलर शेप का या फिर कुछ भी एक फ्री हैंड स्केच, ऑल आर इन फ्री हैंड स्केच, ठीक है। आपको ये जितना भी ड्राइंग देख पा रहे हैं, स्केल और एक फ्री हैंडली आपको वुड पेंसिल से आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपका राइट साइड में देखिए मशीन पार्ट जो कुछ भी है, ठीक है, स्ट्रेट नार्लिंग अगर देखा, कोई ऑपरेशन दिखा रहे हैं तो एक शेफ्ट के ऊपर अपना दिखा रहे हैं तो इस टाइप का आपको दिखाना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपका स्ट्रेट नार्लिंग हो गया, कन्वेंशनल वे में शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिए, बस पूरा नहीं करना होगा, एक साथ ड्रॉ कर दिए, सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिए और बस जो सर्कुलर पोर्शन है उसमें थोड़ा बीच वाला पार्ट में स्ट्रेट लाइन खींच दिए, बस हो गया। वैसे इसमें डायमंड लाइनिंग हो गया, स्क्वायर ऑन शेफ्ट हो गया, जो कुछ देख पा रहे हैं पॉज करके देख लीजिएगा, इजिली आपको नोट कर लीजिएगा, बुक में अवेलेबल है ही, आप नेट का जरिए रेफरेंस भी ले सकते हैं, गूगल से भी रेफरेंस ले सकते हैं, इजिली आपको चार्ट मिल जाएगा। लेकिन याद रखना पड़ेगा अब एग्जाम का समय, उसको बराबर से उसको स्केच करना होगा, प्रॉपरली उसको लेवल करना होगा, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारा पार्ट दिखाया गया, आप देख लीजिए एक बार पॉज करके या फिर ये कर लीजिए। तो बेसिकली क्या है ओवरव्यू, आप फिर से बात करेंगे कि क्या है मेरा ये जो आपका कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, कि कोई भी ड्राइंग को समझाने के लिए, शॉर्ट में समझाने के लिए उसके अगर मानिए प्रोजेक्शन करना होता है तो बहुत सारा टाइम लगता है प्रोजेक्शन के लिए, अगर प्रोजेक्शन के बाद फिर कोई दिखाना होता है तो इसीलिए जैसे कि आप नार्लिंग करने जाएंगे, बराबर से ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, फ्री हैंड स्केच कर देंगे, ऐसा नार्लिंग दिखा देंगे तो आप समझ जाएंगे हाँ ये स्ट्रेट नार्लिंग हो गया। डायमंड नार्लिंग दिखाएंगे तो क्रॉस वाइज, जैसे ये क्रॉस किया हुआ है मेटल का, जो ये लीड, जिंक, व्हाइट मेटल, टीन एक्सेट्रा का जो फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, वैसे क्रॉस फिगर, क्रॉस लाइन खींच देंगे तो फिर समझ में आ जाएगा ये डायमंड नार्लिंग। इस टाइप का आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए ड्राइंग में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको कन्वेंशनल वे अपनाना होगा तरीका, ताकि इजीली और कम समय में आप रिप्रेजेंट कर सकें, ओके। तो बेसिक कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा फास्ट कुछ है नहीं, समझ में मेरे ख्याल से होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आ गया फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे प्रीवियसली आई सेड दैट कि कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, मेल के जरिए पूछ सकते हैं, ओके। Thank you so much for viewing this. Hope you will like my video. Okay, ठीक से उसको देखिएगा, समझ में अगर नहीं आए तो कुछ सब पूछिएगा, okay। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सबको सुरक्षित रखिए और घर में बैठे बैठे स्टडी कीजिए ऑनलाइन और सब बस स्किल अपना बढ़ाइए, okay, ठीक है। Thank you.